एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं और काफी सारे टॉपिकों को हम लोगों ने जाना पढ़ा सीखा। जैसे अभी तक क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन देखा, एसिड के बारे में जाना, बेस के बारे में जाना, टाइप ऑफ इंडिकेटर को देखा कि कैसे एसिड को पहचानोगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, रिएक्शन देखा एसिड और बेस का मेटल के साथ। उसके बाद हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड देखेंगे आज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, अगर एसिड और बेस को आपस में मिला दोगे तो क्या हो जाएगा। और फिर जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसिड जो है काफ़ी रिएक्टिव है, ज्वलनशील होता है, और बेस जो होता है वो शांत रहता है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वो एक्सप्लोर करेगा या नॉर्मल रिएक्ट होगा या न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ क्या रिएक्शन है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ बेस के साथ क्या रिएक्शन है, वो भी जानेंगे। तो पार्ट वन में हम लोगों ने इतना देखा था एसिड की प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी। पार्ट टू में हम लोगों ने इतना देखा प्रॉपर्टी देखा इंडिकेटर का, और एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन देखा। आज रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन चारों पॉइंट को टॉपिकों को पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग का मकसद है लर्न करना। सबसे पहले एग्जाम में आपको 90 प्लस स्कोर करना है, उसके लिए आपको हर चीज को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सब चीज को नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और ग्रोथ के साथ इन सभी चीजों को मिलाकर हम अपना स्किल डेवलप कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जहां पर हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सके, इसलिए सीखते रहिए। चलिए सीखेंगे आज के टॉपिकों को, रिविजन कर लेते हैं हम लोग। रिविजन में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन के बाद एसिड के बारे में। एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड उसको कहते हैं जो स्वाद में सॉल्ट लगे, खट्टा लगता है, उसे एसिड कहते हैं। उसके बाद बेस के बारे में जाना था हम लोगों ने। बेस टेस्ट में बिटर होता है, एसिड में H प्लस आयन होता है और बेस में OH माइनस आयन होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने लिटमस पेपर को देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डाल दोगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर को आप अगर बेस में डाल दोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने जाना था कि बिना छुए एसिड और बेस को कैसे पहचानोगे इंडिकेटर की मदद से। अलग अलग इंडिकेटर का भी हम लोगों ने नाम पढ़ा था, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम लोगों ने देखा था उसका स्वाद, H प्लस आयन होता है एसिड में, वो सारी चीजों को हम लोगों ने जाना था कि इसे H प्लस आयन होता है, वो कहा किसने था, अर्हेनियम ने कहा था। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जाना था, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोगों ने HCl देखा था, H2SO4 देखा था, जो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोकैलोरिक एसिड है जो हमारे पेट में भी पाया जाता है। फिर नाइट्रिक एसिड देखा था, वीक एसिड में हम लोगों ने लैक्टिक एसिड देखा था। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ए बेस देखा था, स्ट्रॉन्ग बेस देखा था जो कि NaOH है। उसके बाद वीक बेस के बारे में भी जाना था। फिर हम लोग ने जाना इंडिकेटर के बारे में कि हम लोग एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे। नेचुरल इंडिकेटर होता है क्या क्या, जैसे कि हल्दी हो गया, टर्मरिक नेचुरल है, लिटमस पेपर जो कि नेचुरल है, लाइकिन नामक प्लांट से निकाला जाता है, सिंथेटिक्स देखा था जैसे फिनोफ्थेलिन देखा था, मिथाइल ऑरेंज देखा था जिसे लैब में बनाया जाता है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को भी हमने पढ़ा था जो कि एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि एसिड और बेस का जो स्मेल है उसको चेंज करने की क्षमता रखता है। फिर हम लोगों ने जाना रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद मेटल के साथ, जब एसिड को बेस के साथ, एसिड को मेटल के साथ और बेस को मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो H2 गैस उत्पन्न होता है और सॉल्ट निकलता है, ये हम लोगों ने जाना था। उसके एग्जाम्पल भी देखे थे, काफी सारे एग्जाम्पल देखे थे। आज के टॉपिकों में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, हम लोग रिएक्शन देखेंगे। किसका रिएक्शन? एसिड का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको दिमाग में एक बात बैठाना होगा, वो क्या है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ बातें ऐसी होती है, या तो आपको उसे याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, या उसे एक्सपेरिमेंट करके समझना पड़ेगा। इन सब चीजों को, आज के रिएक्शन को आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा स्कूल में। अगर एक्सपेरिमेंट वहां आप लोगों का स्कूल में नहीं होता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट करने से आप लोग विजुअलाइज कर पाओगे, देख पाओगे। हालांकि यहाँ पे मैं समझाऊंगा हर चीज को, एक्सपेरिमेंट के दौरान भी बताऊंगा, मगर हर चीज को समझने के लिए आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड मतलब स्थित होना जरूरी है। यहाँ पर रहो और देखो कि किस तरह से क्या होता है, इन सब रिएक्शनों को सामने देखना भी जरूरी है। जैसे एसिड, पहला पॉइंट में हम लोग जानेंगे एसिड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो फॉर्म करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है।
जैसे मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो चीजें हैं। इन दोनों में से किसी एक चीज को लेंगे और एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड जिसमें H प्लस आयन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमें मिलेगा क्या, सॉल्ट मिलेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा। तो इन चीजों को समझना है। एग्जाम्पल के रूप में आप एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो देखिए, हम लोग सबसे पहले लेते हैं क्या लेते हैं, मेटल कार्बोनेट लेते हैं। ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है, जिसे हम लोग धोने का सोडा भी बोलते हैं। जब HCl के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जैसे हमने कहा सॉल्ट, तो सॉल्ट मिलेगा NaCl, NaCl साधारण नमक है। इसके साथ ही हमें गैस मिलेगा, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको याद रखना है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। उसके साथ हमें मिलेगा क्या, H2O, मतलब पानी मिलेगा, क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब आप रिएक्ट कराओ मेटल कार्बोनेट के साथ तो आपको ये तीन चीजें मिलेगी, क्या क्या तीन चीजें, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। एग्जाम्पल के रूप में आपने एक देखा, आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं, ये मेटल हाइड्रोकार्बन है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो ये जो होता है, हम लोग खाने का सोडा जिसे बोलते हैं ना, वो इसी का फॉर्मूला है, खाने का सोडा का। जब उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड में हम लोग HCl ही लेते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, HCl को लेते हैं। अब इस HCl को जब रिएक्ट कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या होगा, नमक मिलेगा, गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगा, ये तीन चीजें आपको मिलेंगे इसमें भी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना ही है, आप जब भी इसको रिएक्ट कराओगे तो आपको यही चीज मिलने वाला है। तो एग्जाम में सीधा यहाँ से पूछा जाता है कि जब आप एसिड को रिएक्ट कराओगे मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तो आपको क्या मिलेगा, इसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कभी कभी लिखा आ सकता है सीधे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, तो आपको घबराना नहीं है। तो उस हिसाब से आपको तीन चीजें मिलेगी, तीनों चीजों का आपको याद रखना है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वो तो गैस के रूप में उड़ जाएगा, निकलेगा गैस के रूप में उड़ जाएगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूना के पानी से प्रवाहित किया जाता है या चूना के पानी में डाला जाता है तो वो चूना का पानी का रंग अलग हो जाता है, कैसा, मिल्क कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। CO2 कैन बी टेस्ट बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। जब लाइम वाटर में आप डालोगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, आगे जानेंगे कि एसिड के बारे में तो जान लिए कि मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन में तीन चीजें मिलती है, सॉल्ट, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर बेस का रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तो क्या होगा, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन होगा। कभी भी आप जब बेस को जब रिएक्ट कराओगे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, इस बात को आपको याद रखना है। और ये MCQ के रूप में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा बेस को जब रिएक्ट कराया जाएगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ तो क्या परिणाम निकलेंगे। तो आपको वहां पे ऑप्शन जो भी होगा उसमें से एक ऑप्शन होगा नो रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं होगा, तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, नो रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है, नो रिएक्शन का जवाब देना है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, देखिए मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के बारे में हम लोग जान लिए, अब जानेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड का धातु के साथ मेटल के साथ रिएक्ट कराए, एसिड का मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराए, एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराए, ये तीन रिएक्शन आपने देखा पीछे। अभी हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड को बेस के साथ, तो एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पर क्या हो जाएगा, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सॉल्ट का निर्माण होता है और वाटर का निर्माण होता है। पिछला चीज में हमने देखा पिछला स्लाइड में कि हाइड्रोकार्बोनेट में तीन चीजें निकलती है CO2 गैस, और इसमें CO2 गैस नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, CO2 गैस गायब हो जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड होगा एसिड और बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रतिक्रिया को, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिखिए, तो आपको लिखना है रिएक्शन ऑफ एसिड विद ए बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में एसिड में हम लोग HCl को लेते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। उन दोनों को जब रिएक्ट कराओगे तो जो HCl है वो टूट जाएगा। HCl किस में टूटेगा, एक H+ आयन में टूटेगा और एक Cl- आयन में टूटेगा, H+ और Cl-,
और NaOH भी टूटेगा किस में, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो ये H प्लस जो है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, OH के साथ, प्लस माइनस के साथ जुड़कर H2O बनाएगा जो कि पानी है, और क्लोरीन जो है वो Na के साथ सोडियम के साथ जुड़कर NaCl जो कि साधारण नमक होता है वो बना लेगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नमक आ जाएगा पहली बात, और दूसरा बात पानी आ जाएगा। याद रखना है आपको कि नमक और पानी आ जाएगा, ठीक है। कब आएगा नमक और पानी, जब आप HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तब। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नमक और पानी आएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा और पानी तो सब में निकलेगा। वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब आप बेस स्ट्रॉन्ग ले लिए और एसिड को वीक ले लिए, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, इथेनोइक एसिड हो गया जो कि शराब में होता है इथेनोइक एसिड, उसको ले लिए तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिक सॉल्ट मिलेगा, मतलब क्षारीय सॉल्ट मिलेगा, और इसके साथ ही हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक। और स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर रिएक्ट करा दोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, साधारण नमक न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा और पानी मिल जाएगा। और वीक एसिड को अगर वीक बेस के साथ तो न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर, ये दोनों प्रतिक्रिया जो है, जो दोनों रिएक्शन जो है याद रखना आसान है। इसके साथ जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो सॉल्ट जो एसिडिक बनेगा, वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको याद रखना है और बार बार रिविजन करना है। हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पर क्या हो जाएगा, एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। हम लोग इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। आगे चलेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ ए मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में जानेंगे कि जब मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा। हमने पहले ही कहा था कि आज का वीडियो जो है ना वो रिएक्शन बेस है, आपको या तो याद रखना पड़ेगा या तो लैब में आंखों के सामने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट के रूप में हम यहाँ पे एग्जांपल तो दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, और आपको एग्जाम में लिखने के लिए इसको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा थोड़ा याद रखना पड़ेगा और बाकी चीज समझा ही रहे हैं, इसको रिविजन और करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मेटेलिक ऑक्साइड की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड जो नेचर होता है इसका वो बेसिक होता है, मतलब कि ये जो है कड़वा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड कड़वा होता है, बेसिक नेचर का होता है, जिसके कारण ये बेस का जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है। हमने पहले बताया था कि एसिड प्लस बेस को जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा क्या मिला था, सॉल्ट मिला था और H2O मिला था, क्या मिला था, सॉल्ट मिला था और H2O मिला था, रिएक्शन जब कराए थे किसका, मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर मिला था। इसके साथ ही हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि बेसिक ऑक्साइड है, उसको जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे आपके पास है एसिड HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और मेटेलिक ऑक्साइड ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और इसके साथ ही पानी मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट का रूप है, एक सॉल्ट का रूप है, नमक का रूप है, और साथ में हमें पानी मिलेगा और काफी ज्यादा मात्रा में इसमें पानी मिलता है। और जब रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का, मेटेलिक ऑक्साइड तो देख लिया, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का अगर बेस के साथ रिएक्ट कराए तो, क्योंकि एसिड के साथ तो रिएक्ट करा दिए, मेटेलिक ऑक्साइड ये खुद नेचर में बेसिक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बेस का एसिड के साथ रिएक्ट कराए, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, वही चीज है एसिड और बेस का रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जाएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट और पानी मिलेगा, और मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्ट करा है मतलब एसिड ही है, मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में क्या है, नेचर में बेसिक है, और एसिड के साथ रिएक्ट करा है तो मिल गया हमें क्या मिला, सॉल्ट और वाटर। और उसी जगह पे हम आप दोबारा हम आपको बताते हैं कि जो एसिड है उसकी जगह हम लोग बेस लिख देंगे और मेटेलिक ऑक्साइड ही रहेगा, तो बेसिक को बेसिक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, मैं बार बार दोहरा के बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दूसरी बात है, रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेसिक के साथ। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, वो नेचर में एसिडिक होता है, मतलब इसमें H प्लस आयन होते हैं, क्या होते हैं, H प्लस आयन होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्या, एसिड, और ये क्या हो गया, बेस, और एसिड और बेस को रिएक्ट कराओगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और पानी, वही चीज है, सेम चीज है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड का,
किस किस से हम लोग रिएक्ट कराए, चलिए उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जब हम लोग रिएक्शन ऑफ एसिड को देखेंगे तो हमें पता चलेगा एसिड का रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, पानी भी मिलता है और सॉल्ट भी मिलता है। और एसिड का मेटल के साथ, सिर्फ मेटल के साथ यानी धातु के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमने एग्जांपल पीछे देख चुके हैं, तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, पहला मेटल कार्बोनेट के साथ गैस मिलता है CO2 और सिर्फ मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस। अब जब एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और पानी मिलता है। यही चीज़ है, ये दोनों सेम ही है, मेटल हाइड्रोकार्बन बोलिए या मेटल कार्बोनेट बोलिए, एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर दोनों सेम ही चीज मिलेगा। उसके साथ ही एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और पानी मिलेगा। एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और पानी मिलेगा। वहीं रिएक्शन ऑफ बेस को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ बेस को देख लेते हैं। बेस को जब मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। एसिड को मेटल के साथ भी हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिला था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऊपर में इस जगह पे, वहीं पे बेस को भी मेटल के साथ सेम चीज मिला जो एसिड के साथ मिला था। बेस को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता नहीं है, होता ही नहीं है, रिएक्शन नो रिएक्शन होता है। वहीं मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके, जब बेस को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नो रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, मेटल हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो नेचर में बेसिक होता है, तो बेसिक बेसिक के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। अब बेसिक को एसिड के साथ रिएक्ट कराने पर सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे यहाँ पे यही प्रतिक्रिया है, यही रिएक्शन है, बेस को एसिड के साथ कराओ या एसिड को बेस के साथ कराओ, दोनों सेम ही है। अब आगे जानेंगे लास्ट रिएक्शन में, बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर के साथ सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। इस पूरे चैप्टर में आपको रिएक्शन ही जानना है और रिएक्शन में एसिड और बेस का ही रिएक्शन है, एसिड और बेस का रिएक्शन कराने पर सॉल्ट मिल जाता है। हर चीज में आपको एसिड और बेस रिएक्शन, सॉल्ट और पानी, सॉल्ट और H2O, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है, हर रिएक्शन में यही मिलेगा। हालांकि चैप्टर का नाम ही है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और एसिड और बेस को अगर आपस में जोड़ दो तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा। चलिए, यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया, सारे रिएक्शन को आपके सामने हैं, दोनों ऊपर नीचे हमने जानबूझकर लिखा है ताकि आप दोनों को तुलना कर सको कि किसमें क्या मिलता है और किसमें क्या निकलता है। तो आप इस सभी चीजों को याद कर लीजिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम के समय एक नज़र में ही देख के सब याद हो जाए, और रिविजन करते हुए चलिएगा ताकि आपको एग्जाम के समय प्रॉब्लम ना हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस के बारे में, जो कि हमारा अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि सारे टॉपिकों को, टॉपिक वाइज सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा यहाँ पे, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, सब चीज में पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।